फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं लेके आई हूँ, मैं एक्चुअली एक हॉल वीडियो लेके आई हूँ। और ये जो है, मैंने मीशो से कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं अपने होम डेकोर के लिए, तो उसके ये मैं प्रोडक्ट लेके आई हूँ। तो देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट निकले हैं, कैसे नहीं है। जो मैंने प्रोडक्ट मंगाए हैं अभी तो फिलहाल जो बहुत ज़्यादा मतलब रिव्यू देखकर ऐसे इस तरीके से मंगाए हैं, तो फिर भी उनकी क्वालिटी और वो प्रोडक्ट जो है देख लेते हैं किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं हमें रिसीव हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, इसमें सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा जो है, जो मुझे रिसीव हुआ है, वो मैंने इसको यूज भी कर लिया है। प्रोडक्ट जो है काफ़ी टाइम से आ चुके हैं, बट जो है कि पूरे प्रोडक्ट नहीं आए थे। दिवाली आ गई थी बीच में, तो उसकी वजह से जो है मेरा पूरा जो मतलब मैंने मंगाए थे वो आ नहीं पाए थे, एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाए थे, तो मैंने उनको यूज़ भी कर लिया है। तो फर्स्ट जो है मैंने ये इस तरीके से लिपस्टिक वाला स्टैंड मंगाया था गाइज। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से निकला है। तो जो पैकेजिंग आई थी बहुत अच्छी आई थी, बिल्कुल भी जो प्रोडक्ट है मेरा बिल्कुल भी क्रैक नहीं था। और इस टाइप से आप देख सकते हैं, इस टाइप से मेरी ये प्रोडक्ट आया था। काफ़ी खूबसूरत सा है, अच्छी क्वालिटी का है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सारी लिपस्टिक जो है इसमें मैंने रख रखी हैं। और इन्हीं सभी लिपस्टिक का रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जी हाँ गाइज, मेरे चैनल पर। तो बात करते हैं आप अपने प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर जो है 24 लिपस्टिक आप रख सकते हैं एक ही जगह पर, और आपको सामने दिखाई देंगे अपने ड्रेसिंग टेबल पर। बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीके से इस प्रोडक्ट को रख सकते हैं। और प्रोडक्ट को मंगाने में थोड़ा सा मतलब लग रहा था, पता नहीं प्रोडक्ट कहीं से क्रैक आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट नहीं, मीशो ने काफ़ी अच्छी पैकेजिंग करके भेजी थी। और इस प्रोडक्ट को बिग थम्स अप है, आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, अच्छी सेफ्टी से आता है। तो चेस्ट प्रोडक्ट जो है मेरा, ये इस टाइप की मैं स्पैचुला मंगाई थी। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सी और सुंदर सी स्पैचुला है। काफ़ी रीजनेबल रेट पर मुझे ये मिल गई थी। मैंने दिवाली की सेल में इनको ख़रीदा था। और मैंने ये जो मंगाया है, थोड़ा सा मतलब थीम जो है इसकी म्यूजिक टाइप में है। तो आप इसको जो है, इन स्पैचुला को आप अपने डाइनिंग रूम में या फिर स्टडी रूम में रख सकते हैं। म्यूजिक रूम हो आपका तो वहाँ पे भी रख सकते हैं, या फिर अपने कहीं भी किसी घर में कोने में लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी टाइप की थीम इसकी मंगाई थी। मैंने इसको मतलब किचन के पर्पज से नहीं मंगाया, कि भाई इस प्रोडक्ट को जो मैं किचन में ही लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ से आप इसको ऐसे हैंग कर सकते हैं। आपको मैं टंगा कर दिखाऊं तो इस तरीके से आप इसको हैंग कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और मैं यहाँ पर आपको टंगा के दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा सा और खूबसूरत सा लग रहा है ना। बट ये इस तरीके से नहीं लगेगा, ये मतलब आप जैसे लगाना चाहो लाइन वाइज लगेगा, या फिर स्टेप वाइज जो होता है उस तरीके से लग सकता है। जैसे भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। इसके पीछे जो है स्लिप नहीं आई है, उस जो मैंने देखा था उसमें डबल टेप थी, डबल टेप आती तो थोड़ा सा अच्छा होता, इजी होता इसको लगाने में। बट कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आई। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैंने जो है कॉम्बो पैक मंगाया था, ये मेकअप का। और इसमें काफ़ी सारे खूबसूरत जो हैं प्रोडक्ट आए हैं, और इन्हीं सभी प्रोडक्ट का फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है कि मीशो से मिलने वाला मेकअप जो है आपको किस तरीके से मिलता है और उसकी क्वालिटी कैसी होती है। इन सभी प्रोडक्ट को मैंने अपने चेहरे पर लगाकर वीडियो डाली है। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं कि इन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से निकल के आया है। तो इसमें जो हमें मिलता है, और इन सभी प्रोडक्ट का जो रेट है वो मुझे भी याद नहीं है, बट लेकिन आप जो हैं इसको, इन प्रोडक्ट के मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी कि क्या इनका रेट है। इसमें आपको एक पाउडर मिलता है, लिपस्टिक मिलती है, एंड फाउंडेशन मिलता है, एक ऑयल मिलता है आपको, एंड आपको दो लिपस्टिक भी मिलती हैं, बहुत ही सुंदर है। एक न्यूड में है और एक रेड में है, एंड एक स्प्रे बोतल भी मिलती है, लेकिन स्प्रे बोतल मुझे लगता है कोई काम की नहीं है। इसमें आई थिंक उन्होंने जो है पानी ही भर के भेज दिया है, तो ये तो कोई काम की नहीं है। और इसके अंदर एक
कंसीलर लास्ट जो है इसके अंदर एक कंसीलर भी मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और इनकी पूरी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये अंडर 200 ही मुझे मिल गया था मीशो से। तो हम अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट देख सकते हैं, इसकी वीडियो देखना ना भूले मेरे चैनल पर जाकर। इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप जरूर देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। गाइस हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट है, और ये इस टाइप की पैकेजिंग में आया था, और ये प्रोडक्ट जो है मुझे आज ही रिसीव हुआ है। ठीक है, तो मैंने खोल के इसको देखा तो मेरा तो जो दिल है वो बहुत ही खुश हो गया। और ये देखिए पैकेजिंग जो है बहुत अच्छी आई थी, और ये देखिए कितने सुंदर से और स्वीट से बुद्धा हैं ये, और देखते ही मुझे तो मज़ा आ गया था कि वाओ प्योर, बिल्कुल प्योर वाइट में ये प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है। बट गाइज आई डोंट नो इसका मटेरियल क्या है, पता नहीं मिट्टी का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इसका मटेरियल क्या है, आई डोंट नो। बट जो भी है देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही प्रीटी और बहुत ही सुंदर सा हमारा ये प्रोडक्ट है। तो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी बहुत प्रीटी है, और आपको पता है कि काफ़ी टाइम बाद मुझे जो प्रोडक्ट है रिसीव हुए हैं और मैंने उनको सजा भी लिया है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा ये टीके का है, और बहुत ही सुंदर है, और ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया था, और बहुत ही सुंदर सी इसकी पैकेजिंग थी, और ये मेटल का बना हुआ है, बिल्कुल ही लाइट वेट सा है। बस इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसका जो कलर है वो मेरे जो डेकोर पीस के साथ है वो मैच हो जाता है, तो दिखाई ही नहीं देता है कि मैंने कुछ टावर भी कुछ रख रखा है। लेकिन जो लुक वाइज जो इसकी प्रिटी है, कितना सुंदर है जो, लेकिन जो इसका लुक है वो बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं छोटू सा है और मेरे हाथ के जितना है, थोड़ा सा बड़ा है, आप देख सकते हैं इतना ही इसका साइज है। थोड़ा सा और बड़ा होता तो काफ़ी अच्छा और प्रिटी और शायद दिखाई भी देता ये डेकोर पीस में। तो थोड़ा सा यही इशू है इसके साथ, लेकिन पीस जो है काफ़ी बढ़िया और सुंदर सा है ये, तो बहुत ही सुंदर सा प्रिटी सा है। तो इसको हम डेकोर में यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मैंने उसको भी यूज कर लिया डेकोरेशन में। तो ये इस टाइप का, ये लकड़ी का, ये मैंने वॉल हैंगिंग मंगाए थे, और इस पे आगे जो है डेकोरेशन पीस है, और यहाँ पर थ्री आप देख सकते हैं मैंने डेकोरेट भी कर रखे हैं, काफी सुंदर लग रहे हैं डेकोरेशन में। तो मैं बात करती हूँ कि मुझे इस देखने में तो गाइस देखने में काफ़ी अच्छे हैं, प्रीटी हैं, बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं। बट इसमें मुझे जो प्रॉब्लम आई है, एक तो ये जो है स्मॉल साइज है, ठीक है, मतलब जो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है मतलब बिल्कुल ही लिटरली जो है बिल्कुल हल्के हल्के हम प्रोडक्ट इन पर रख सकते हैं, कोई हैवी वजन का इस पर नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए तो मुझे थोड़ा सा ये माइनस पॉइंट लगा है। नेक्स्ट जो है मैंने इनको जो है फेविकोल से जोड़ा है, ये जो इस तरीके से ये मैं जब कुछ प्रोडक्ट कुछ भी रख रही थी तो ये बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जाता था, तो उसमें डर होता था जो प्रोडक्ट में रखती थी तो ऐसे फिसल के ऐसे आगे आ जाता था। तो कुछ भी वाइब्रेट होता है, किसी से हिलता भी है, अगर मैं यहाँ इधर से आऊँ जाऊँ तो हिले भी तो जो ये प्रोडक्ट है वो गिर जाएगा और हमारा जो है नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको गोंद लगाकर जो है जोड़ा है, और फिर जाके ये फिक्स किए हैं, और फिर मैंने इसको यूज़ किया है, और वैसे देखने में काफ़ी सुंदर और प्रिटी से है। और ये भी मुझे अंडर 200 के ही मिल गए थे ये दिवाली सेल में, और ये भी काफ़ी खूबसूरत से पीस है। बस थोड़ी सी क्वालिटी और अच्छी होती तो मज़ा ही आ जाता पीस के साथ, और थोड़ा सा बड़ा पीस होता तो बहुत ही अच्छा लगता। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये छोटी सी डॉल है, और एक्चुअली मैं बताऊँ इस प्रोडक्ट को लेकर मैंने और ही कुछ एक्सपेक्ट किया था, कि मतलब जब भी मैं इस प्रोडक्ट को देखती थी तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता था ये प्रोडक्ट, और मैं क्या ही बताऊं। बट जो ये प्रोडक्ट है मैं जब मैंने मंगाया और मैंने इसको देखा तो मेरा तो जो सपना है वो बिल्कुल चूर चूर हो गया। जो इससे मुझे एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ही बड़ी थी, बट ये बहुत ही छोटू सा निकला। मैं समझी ये थोड़ा सा बड़ा होगा और मैं इसके अंदर कुछ मतलब गमले में पौधा लगाकर उसको उगाऊंगी, बट ये इसमें कुछ भी नहीं है। आप तो इसमें शायद रबड़ पेंसिल भी रखेंगे तो वो
ऐसे गिर जाएगी। आप देख सकते हैं ये कितना छोटा सा, ये देखिए बिल्कुल गिरने का डर है, और ये सच में गिर भी गया। तो इस प्रोडक्ट के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही, इसने तो बिल्कुल मेरा जी ही, मेरा दिल ही तोड़ दिया इस प्रोडक्ट ने। बट इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है काफी अच्छी है, छोटू सा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आ गया है। और इसके नीचे जो है होल भी दिया हुआ है, इसमें अगर आप पौधा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट इतनी छोटू सू में तो क्या ही लगाएं। अगर आप अपने गार्डन वगैरह में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और प्रोडक्ट है उसके हिसाब से मुझे इस प्रोडक्ट को काफी ज्यादा पे करना पड़ा, जो मुझे ये प्रोडक्ट दिख रहा है जिस हिसाब से, इतना इसका प्राइस नहीं होना चाहिए था, थोड़ा डाउन हमें मिल जाता तो अच्छा होता। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। तरीके की पैकेजिंग में आया था, और ये अमेजोन से आया है, पर मैंने मंगाया इसे मीशो से है, पर पैकेजिंग जो है इसकी अमेजोन की है। और ये आप देख सकते हैं ये खूबसूरत से इसमें फैमिली जो है वो रखी हुई है, बहुत ही सुंदर सी है। बट आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, तो कोई वजह है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सी ये इनकी मम्मी है, और इनके बच्चे भी मैं दिखाती हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी ये फैमिली है, बट इसके जो फादर हैं उनके साथ थोड़ी सी मिसहैपनिंग हो गई है, वो थोड़ी से जो है क्रैक हो गए हैं, बिल्कुल ही लिटरली जो है आगे से ये टूट गया है। और मैंने जब इस प्रोडक्ट को देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि इसके नीचे जो है वजन है, लेकिन ऊपर से जो है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही खाली है। तो उसकी वजह से जो है ये, जब नीचे कैसे भी पैकेजिंग उन्होंने कैसी की है कैसी नहीं की है, तो ये गिर गया है। वैसे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से लग रही है, देखो कितनी सुंदर सी फैमिली लग रही है। बट ये मुझे रिटर्न में डालना होगा, क्योंकि ये जो मेरा है टूटा निकला है। तो 500 रुपीज मैंने लगभग में इसके पे किए हैं, और उसका रिजल्ट मुझे ये मिला है। मेरा बहुत ही दिल दुखा इस प्रोडक्ट को देखकर जब ये डैमेज निकला। और इनके जो बच्चे हैं वो तो बहुत ही क्यूट क्यूट से, जो एक्चुअली जो इनके ये जो बेबी वाले जो फैमिली के जो ये है इनमें वजन है, बट इनमें वजन नहीं है। ये तो सच में ही गिर के कहीं टूट ही जाए, इनमें बिल्कुल भी वजन नहीं है, इनमें वजन है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस ये जो मेरा प्रोडक्ट था वो है लास्ट गाइज। तो गाइज ये जो मेरा प्रोडक्ट था वो है लास्ट, और जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा ये हॉल कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है। अगर आप देखकर तो आप परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी है ये फैमिली जो सेट है, ये भी काफी अच्छा है। बस जो डिलीवरी टाइम में जो है ये कहीं टूट गया है गिर के, तो शायद वहाँ हमारा थोड़ा नुकसान हो गया है। तो इसको मैं रिव्यू में डालूंगी आसानी से, आप इसको मैं रिटर्न में डालूंगी, एक्चुअली रिटर्न में नहीं एक्सचेंज में डालूंगी, तो वहां पर ये आराम से एक्सचेंज हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी मुझे बहुत सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं उनके लिए थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आपको होल अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाना वीडियो को। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, बाय बाय।